आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरएस मेंस में आने की पूरी संभावना है। तो आज बात करते हैं हम एक क्वेश्चंस की, आप सुनिएगा ध्यान से। बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी उदयपुर की दक्षिण पूर्व में स्थित जैसमंद झील में छोटे बड़े 7 टापू जिन पर भील और मीना जाति के लोग रहते हैं, इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा तथा उससे छोटे का नाम प्यारी है। ये इस तरह के अलग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैं आपको और वीडियोज़ में भी इस तरह के क्वेश्चन दिखाती रहूँगी, देखते हैं ये सारे वीडियोज़। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवण घास की। सेवण घास जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के सहारे 60 मीटर चौड़ी पट्टी लाठी सिरी क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास सेवण है जो अत्यंत पौष्टिक होती है। इसका वैज्ञानिक नाम लसीरुस सिंडिकस पश्चिम राजस्थान में विस्तृत लंबाई 50 से 135 सेंटीमीटर मरुस्थलीकरण रोकने के लिए बहुत ही अच्छी है और टिब्बास्त्रीकरण में जड़ें व भोजन संग्रह हेतु उपयोगी है। इसके चारे की लीलोण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी। खेजड़ी या प्रोसेफिस सिनेरेरिया राजस्थान का एक राज्य वृक्ष है, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी इसे कहते हैं। राज्य के 65% वन क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है गुरु मित्र योजना। गुरु मित्र योजना 1994 में शुरू की गई थी और ये टोंक से प्रारंभ की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार राजस्थान में प्रवेश द्वार भरतपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है, जिसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर प्राकृतिक की सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन है कांकरेज क्या है। कांकरेज क्या है बात करते हैं। गाय की यह नस्ल भार वाहक और अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। यह नस्ल सांचौर की श्रेणी में आती है। कांकरेज मुख्यतः जालौर सिरोही पाली और बाड़मेर जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। लटकते कान चौड़ा व बीच में धसा हुआ ललाट सीधी कमर लंबे सींग इसकी पहचान है। प्रश्न है सत्येन मैत्रेयी पुरस्कार भारत सरकार साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु देश के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सत्येन मैत्रेयी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। राजस्थान के 8 जिले अब तक इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। प्रश्न है छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है। माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में छप्पन नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है, जिसे छप्पन का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। प्रश्न है मतीरे की राड़ किसे कहा जाता है। 1644 यह युद्ध मतीरे के लिए अमर सिंह राठौर नागौर व बीकानेर शासक कर्ण सिंह के मध्य हुआ था। कांठल क्या है। कांठल माही नदी के किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। सालिम शाही सिक्के ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ के महारावल सालिम सिंह ने शाह आलम के नामांकित सालिम शाही सिक्के चलवाए थे। कोटा में चांदी का सालिम शाही सिक्का प्रचलित था। तबकाते नासिरी मिनहाउजल कृत फारसी ग्रंथ है। अजमेर जालौर नागौर में मुस्लिम संप्रदाय के प्रभाव प्रसार व सिराज का वर्णन इसमें किया गया है। प्रश्न है पारुथद्रम क्या है। पारुथद्रम मेवाड़ में 7वीं शताब्दी में प्रचलित चांदी के सिक्के हैं। ये इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत अधिक बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए साधारण क्वेश्चन है, उन पर ध्यान ना दे करके कुछ
भिन्नता वाले क्वेश्चंस आप उठा करके चलिए, निश्चित रूप से आपका राजस्थान में इसमें सिलेक्शन पक्का है फ्रेंड्स। तो अभी बात कर लेते हैं कुंता प्रथा क्या है। कुंता बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने की प्रथा। कुंता यानी अंदाज, खड़ी फसल का अंदाजा करके पैदावार के अनुसार रकम तय कर ली जाती है, इसे कुंता प्रथा बोलते हैं। मेवाड़ भील कोर क्या है। मेवाड़ भील कोर जो है मेवाड़ के भील बाहुल्य क्षेत्रों में भीलों पर नियंत्रण हेतु कंपनी सरकार ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। यहाँ भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी ने किया था। प्रश्न है केसरी सिंह बारहठ कौन है। इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को देवपुर में हुआ था। पिता कृष्ण सिंह बारहठ हैं। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना इन्होंने की थी। प्रश्न है मत्स्य संघ क्या है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर के गठित राज प्रमुख धौलपुर नरेश उदय भानु सिंह, उपराज प्रमुख महाराज करौली, प्रधानमंत्री शोभाराम कुभावत और उद्घाटन बी एन गाडगिल और के एम मुंशी की सलाह पर एक संघ की स्थापना की गई जिसे मत्स्य संघ का नाम दिया गया। प्रश्न है किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान का खजुराहो भी इन्हें कहा जाता है। ये नागर शैली में निर्मित हैं। लगभग 2 दर्जन क्षत विक्षत मंदिर प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है स्वर्णिम त्रिकोण किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर को स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। दीग महल भरतपुर से 35 किलोमीटर अपने जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। दीग में सूरज भान, पूर्ण भवन, गोपाल भवन दर्शनीय हैं। महलों में रंगीन फव्वारे और बगीचे दर्शनीय हैं। प्रश्न है फलोदी जोधपुर में स्थित नमक उत्पादन के लिए यह झील है। यहाँ पर राज्य का तृतीय पवन ऊर्जा संयंत्र बीठड़ी में 31 मार्च 2001 जो है उससे शुरू हुआ। प्रश्न है काजरी क्या है। काजरी CAZRI यानी काजरी केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर केंद्र सरकार ने मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए, कृषि उपज बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए 1952 में इस संस्था का गठन किया था। गमेती गरासिया क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। यदि कोई भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो गमेती गरासिया कहा जाता है। राई नृत्य इसे गवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य सावन भादो में किया जाता है। मुख्य पात्र भगवान शिव होते हैं। इसमें शिव को पुरिया कहा जाता है। इसमें पुरुष जो हैं जब तक ये नृत्य करते हैं स्त्री का रूप धारण करके रहते हैं। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स।